नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम शख्सियत में, जिसमें आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने मेहनत और संघर्ष के दम पर एक अलग ही मुकाम हासिल किया है। आज हमारे साथ मौजूद हैं विनय शुक्ला, जो दवा विक्रेता वेलफेयर समिति के अध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम में। सबसे पहले अपने बारे में आप हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, मैं दवा के ट्रेड से हूँ और हमने जब अपनी शुरुआत करी है तो हमारे पिताजी शराब की दुकान में सेल्समैन थे। वहाँ से उन्होंने देखा कि हाँ, शराब की दुकानों पर किस तरीके की किस तरह से सरकार खराब कर रही है। शराब एक ऐसी नशा है जिससे लोग खराब हो रहे हैं, तो उन्होंने उसको रहते ही एक दवा की दुकान पहले बहुत छोटी सी खोली हम लोगों के लिए नौकरी में रहते रहते। और मैंने 11 साल की उम्र में ही दवा की दुकान पर बैठना शुरू कर दिया था। तो धीरे 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 93 में मैंने अपने पिताजी से कहा कि हम दुकान इस्टेब्लिश कर लिए, तो ये अब आप चाहें तो आप शराब की दुकान पर नौकरी छोड़ सकते हैं। और हम लोग इस स्थिति में ला चुके हैं कि हम अपने पूरे परिवार का भरण पोषण इसी दुकान के मदद कर सकते। विनय जी, हर इंसान के अपने कुछ सपने होते हैं, उसे पूरा करने की लगन होती है, आपके क्या सपने हैं? देखिए, दवा के ट्रेड में जब हम आए तो हम ये जरूर चाहते थे कि हर गरीब को दवा मिल जाए, जिसको दवा मिलने में असुविधा हो रही, क्योंकि हम लोगों ने बहुत नीचे से जिंदगी अपनी जी है। तो हम लोगों ने देखा है कि क्या होता है गरीबी के दिनों में, जब दवाइयों का आदमी को अभाव होता है, चाह कर भी अगर दर्द है या कोई समस्या है तो आप उसका इलाज नहीं करा पाते हैं। इसी के चलते हुए अभी कुछ करीब पिछले 5 साल पहले प्रधानमंत्री जी की जन औषधि केंद्र परियोजना आई थी। इस परियोजना को हमने शुरू किया था और आज मैं बड़ा अपने आप को इस मामले में गर्वित महसूस करता हूँ कि कम से कम हमने लखनऊ में 3 इस तरीके के भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले हैं। और सरकार की बड़ी अच्छी स्कीम थी, तो इसलिए जरूर हुआ है कि हमने जो सोचा था कि जैसे बुध बाजार होता है, जिस तरीके से बाजार में भीड़ लगती है, जैसे हम जिस जगह है हमारी मार्केट, वहाँ पर ऑलरेडी बुध की बाजार लगती है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं पिक्चर थी कि जैसे गरीबों के लिए भी इस तरीके की कुछ दवाइयाँ आ सकें बाजार में, जो आसानी से सुविधा से मुहैया हो सके। तो भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र से हम वो एक सेवा लोगों की जो एक सपना लेके आए थे ट्रेड में, कि हाँ, हम हर गरीब को दवा मुहैया करा पाए, तो कहीं ना कहीं हमने वो सपना साकार कर होता हुआ दिख रहा है। विनय जी, इंसान की जिंदगी हमेशा चुनौतियों से भरी होती है, आप आज जिस मुकाम पर हैं, यहाँ पहुँचने के लिए किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? बहुत, क्योंकि घर में कभी किसी ने व्यापार नहीं किया था। मैं पहली जनरेशन हूँ अपने यहाँ की जो उस व्यापार में आया हूँ। और शुरुआत में कुछ लोगों ने मदद भी करी तो कुछ लोगों ने बहुत दबाने का भी प्रयास किया, लेकिन बस पिताजी के दिए वसूल थे कि जो दवा आप खुद नहीं खा सकते हैं वो दवा आपको कभी बेचनी नहीं है, जो इंजेक्शन आप अपने घर में नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं वो आपको नहीं बेचना है। तो इन्हीं सब के रहते हुए हम लोगों ने दवा की दुकान चालू करी और लोगों का एक विश्वास हमने जीता है, जिसके दम पर आज हमारी दुकान का नाम है। लोग हमें हमारी दुकान के नाम से जानते हैं और आधे लोग तो शायद मेरा नाम भी नहीं जानते हैं, वो मेरी दुकान के नाम से मुझे जानते हैं। आधे से ज़्यादा लोग मुझे शकुन के नाम से जानते हैं, शायद लोगों को पता भी नहीं कि मेरा नाम विनय शुक्ला है, वो शकुन भाई के नाम से मुझे जानते हैं। विनय जी, हर इंसान का एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपका कौन है? मेरे पिताजी हैं, मेरे लिए वही आइडियल है, क्योंकि जब वो लखनऊ शहर में आए थे तो कुछ लेकर नहीं आए थे, मात्र एक जो है वो 2 कमीजें और एक पैजामा पहन कर आए थे। और उन्होंने बहुत जीरो से एक सेल्समैन की नौकरी करके दुकानों में पानी पिलाना, शराब की दुकान में, जो बहुत ख़राब काम किसी समय में माना जाता था, उस समय उन्होंने वो काम किया अपनी जीवनोपार्जन के लिए। और धीरे धीरे हम लोगों को इस तरीके की शिक्षा दी कि आज हम लोग इस ट्रेड में हैं। और इसी के चलते हम लोगों ने भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के साथ साथ दवा विक्रेता वेलफेयर समिति, जिसका मैं खुद अध्यक्ष हूँ, तो हम लोगों ने एक इस तरीके का मॉडल इस्टेब्लिश किया है कि हम लोग अपना जो ड्रग विभाग है उसके साथ मिल के समय समय पर हम लोग हर दुकानों पर जाकर और लोगों को ये ट्रेंड करते हैं कि किस तरीके से आपको दवाइयों का रखरखाव करना है, किस तरीके से आपको दवाइयाँ डिलीवर करनी है और क्या प्रॉपर सोर्सेज हैं जहाँ से आपको दवा खरीदनी है, ताकि कोई भी अनइथिकल प्रैक्टिसेस हमारे ट्रेड में इन्वॉल्व ना हो सके। विनय जी, आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, तो अभी तक आपका अनुभव कैसा रहा? सरकार के आने के बाद से बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, परियोजनाएं हैं, जिनके विषय में पहले शायद मैं नहीं जानता था, लेकिन अब क्योंकि मैं सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं हूं, तो बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिसका हमें पता चला है और इससे जनमानस को बहुत फ़ायदा हो रहा है। और भविष्य में इसके परिणाम आपको निकाय चुनाव में भी दिखेंगे, क्योंकि सरकार की जो महत्वपूर्ण कल्याणकारी योजनाएँ हैं जनमानस तक बड़ी सुविधा से मुहैया हो पा रही हैं। जी,
दवा विक्रेता वेलफेयर समिति के अध्यक्ष हैं आप, कब इसकी शुरुआत हुई, कब आपने सोचा इसे शुरू करना चाहिए? आज से ढाई साल पहले जब कोरोना आया था और बहुत सारे जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट थे सभी की ओपीडीज बंद चल रही थी और उन दुकानों के बाहर जो दुकानदार भाई हमारे थे उनका माल रखा था और मूव नहीं कर रहा था और ओवरऑल क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी इसलिए बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी थी जो लखनऊ में शॉर्ट हो रही थी। तो उस समय एक दिमाग में आया कि क्यों ना सारे दुकानदारों को एक साथ कहीं किसी एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जाए, क्योंकि संभव व्यक्तिगत रूप से जाकर सबसे मिलना नहीं था। तो हम लोगों ने सभी दुकानदारों के नंबर्स कलेक्ट किए और सारे लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, 10-12 ग्रुप्स, जिसमें हम लोगों ने आपस में एक दूसरे की दवाइयाँ चेंज करी। उससे दो फायदे हुए, एक तो उस व्यापारी का जिसकी बिक्री नहीं हो रही थी, जिसके यहाँ माल रखे रखे एक्सपायर हो रहा था, उसका वो माल बिक गया और उस दुकानदार को लाभ हुआ या उस मरीज को फायदा हुआ जिसको दवाइयाँ नहीं मिल पा रही थी। करीब 35 लाख रुपए की हम लोगों ने कोरोना काल में इस तरीके की दवाइयाँ एक दूसरे को आपस में बदली हैं और उन्हीं दुकानदारों से हम लोगों ने थोड़ा सा सपोर्ट लेकर कोरोना काल में इसी वजह से बहुत सारी आइवरमेक्टिन के 17,600 घरों में हमने आइवरमेक्टिन वितरण कराई हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, हम लोगों ने हर व्यक्ति को जो जरूरतमंद था उस तक पहुँचाने का प्रयास किया। आपकी समिति किस तरीके से काम करती है, क्या कुछ पूरा प्रोसेस होता है? हमारा जो भी एक वैलिड ड्रग लाइसेंस के साथ दुकानदार होता है वो हमारा मेंबर होता है और हमारी कोई मेंबरशिप फीस एडिशनल नहीं है। जो हमारे चार्जेस हैं वो हम आई कार्ड वगैरह जो भी मुहैया कराते हैं सिर्फ उसी के पैसे 200-250 रुपए बहुत नॉमिनल सी फीस है जिससे हम उसे अपना मेंबर बनाते हैं, जिससे हमारे संज्ञान में आ जाता है कि हाँ इस तरफ यहाँ इतनी दुकानें, क्योंकि लखनऊ में टोटल 10,800 से अधिक दुकानें हैं दवा की और भविष्य में भी और खुलती ही जा रही हैं दुकानें। तो और अब तो लखनऊ भी बहुत बड़ा हो गया, अगर देखा जाए तो 50 किलोमीटर का दायरा हर तरफ उसने घेर लिया है। तो अपनी तरफ से हम लोगों ने अभी तक जो मेंबर्स जोड़े उनमें हमारी काफ़ी अच्छी संख्या रही है और हम लोगों का मेन प्रयास ये है कि दुकानदारों को अवेयर करें ताकि सही दवा सही सोर्सेस से एंड यूज़र के हाथ में जाए और कहीं से भी ट्रेड बदनाम ना होने पाए। हमेशा हम लोगों का यही प्रयास रहता है, इसीलिए हम लोग महीने दो महीने में एक वर्कशॉप करते हैं जिसमें ड्रग डिपार्टमेंट्स के लोग, ड्रग इंस्पेक्टर्स, ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटीज या ड्रग कंट्रोलर को इन्वॉल्व करके हम लोग उनको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाते हैं और वो हम कोशिश करते हैं कि उस एरिया वाइज जैसे जोन हमने बांट रखे हैं अपने पूरे लखनऊ भर के, तो हर जोन का अलग अलग हमने बांट रखा है, हर जोन में अलग अलग हम लोग उस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं। यूपी लेवल पे भी हमारी संस्था है, उसमें मैं जोन का अध्यक्ष हूँ और मैं वहाँ भी ये प्रयास करता हूँ कि जैसे जैसे लोगों की हमारे पास क्वेरीज आती हैं तो फटाफट उनको सॉल्व किया जाए और जो बेसिक प्रॉब्लम्स आती हैं गवर्नमेंट के साथ, जैसे कि लाइसेंस रिन्यूअल में प्रॉब्लम आ रही है, नए लाइसेंसेस बनने में दिक्कत आ रही है, तो प्रयास ये भी करते हैं कि जितना व्यापार बढ़ सके उतना बढ़ाया जाए। तो लोगों को जितना भी फैसिलिटेट कर सकते हैं कि हाँ जल्दी से जल्दी उन्हें लाइसेंसेज मिल जाएँ, उनके रिन्यूअल में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो उसको हमारी समिति मेनली देखती है। जी विनय जी, आए दिन दवा को लेकर कालाबाजारी के मामले सामने आते हैं, तो इसको रोकने के लिए क्या कुछ विशेष करते हैं आप? हम लोग विशेष रूप से देखिए समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं कि किस तरीके की दवाइयाँ हैं और प्रॉपर, पहली बात सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि प्रॉपर सोर्स से लोग दवा खरीदें, क्योंकि आज डिस्काउंट का ऑनलाइन की वजह से इतना बुरा हाल हो गया है क्योंकि ऑनलाइन का प्रॉपर कोई सोर्स नहीं है। और जहाँ तक मेरी जानकारी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के हिसाब से अभी भी सरकार ने ऑनलाइन दवाइयों को मंजूरी नहीं दी है और हर ट्रेड का सरकार द्वारा एक मार्जिन फिक्स किया गया है। हमारे ट्रेड में विशेष तौर से जब सरकार ने एक मार्जिन फिक्स कर रखा है और ऑनलाइन में मैं देख रहा हूँ कि उससे भी अधिक डिस्काउंट पर दवाइयाँ आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं लुभावने लालच देकर जो दवाइयाँ बिक रही हैं इससे बचें, प्रॉपर सोर्स से ही दवाइयाँ खरीदें और रिटेलर्स या हमारे जो होलसेलर भाई हैं उनको भी हम लोग समय समय पर यही कहते हैं कि आप प्रॉपर सोर्स से बिल बैच नंबर के साथ दवाइयाँ खरीदिए ताकि इस तरीके की नकली दवाइयों से हम लोग खुद भी बचें और आगे मरीजों को और उनके परिवारजन को भी किसी तरीके का कोई नुकसान ना होने पाए। विनय जी, जो काला बाजारी का मामला है इसको लेकर लगातार सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है, उसके बावजूद भी काला बाजारी का खेल बड़े जोरों पर चलता है, क्या मुख्य वजह रहती है? देखिए, जो दवा में ड्रग एक्ट के हिसाब से कानून बनाए गए हैं वो बहुत ही हल्के हैं लोगों के हिसाब से। अगर ABC किसी भी आदमी ने कोई भी गलत दवा बेची है तो ज़्यादा से ज़्यादा ड्रग विभाग के पास ये अथॉरिटी है कि वो उसके लाइसेंस को निरस्त कर दे। अगले दिन वही आदमी नए नाम से नया लाइसेंस अप्लाई करता है, उसी जगह पर फिर दवा की दुकानें खोल लेता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ड्रग विभाग को या सरकार को ये ज़रूर सोचना चाहिए कि इस तरीके का कोई नियम हम बनाएं जिससे लोगों के अंदर इसको लेकर भय आए। लोगों के अंदर भी उस तरीके का भय नहीं है, नकली दवाइयाँ लोग खुलेआम बेच रहे हैं,
तो इस पर कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगना चाहिए, और वो तभी संभव है जब इसके नियम कानून और सख्त बनाए जाएंगे, क्योंकि बहुत लचीले कानून हैं, इनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। विनय जी, आप समाज सेवा का भी एक बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप एनजीओ चलाते हैं, उसके बारे में कुछ बता दें। एनजीओ हमारे पास स्टेप फॉरवर्ड हेल्पेज के नाम से हम एक एनजीओ चलाते हैं, और उस फाउंडेशन में हम लोग काम ये करते हैं कि जो, क्योंकि दवा ट्रेड्स में लोगों का सुनने में आता है कि किसी के ऑपरेशन में समस्या आ रही है, किसी को दवाइयाँ नहीं मुहैया हो पा रही, कोई दिखा नहीं पा रहा है अपने को, तो दवा से रिलेटेड जो भी इस तरीके के लोग हैं हमारी संस्था में, जो भी हमारे मेंबर्स हैं, वो उसमें अपनी एक आपस में ही हम लोग किटी करते हैं, और उनका हम लोगों प्रॉपर ट्रीटमेंट कराते हैं। अगर ऑपरेशन की आवश्यकता है तो ऑपरेशन कराते हैं, ऑपरेशन में जो दवाइयाँ लगती हैं, जो प्रोसीजर की कॉस्ट होती है, वो हमारी संस्था उनको बेयर करती है, और साथ ही साथ जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसको 7 दिन की दवाई भी हम लोग अपने पास से देते हैं। विनय जी, जो आप ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, कब आपके मन में आया कि ये कार्य करना चाहिए? कोरोना काल में, क्योंकि दुकानें बहुत सारी बंद थी, बहुत सारी जो सीख मिली है वो कोरोना काल में ही मुझे मिली है। जैसे कोरोना काल में मैंने देखा कि दुकानें काफी बंद थी, तो सैनिटरी नैपकिन की बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही थी, और क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में सैनिटरी नैपकिन बहुत सस्ते हैं, 1 रुपए का 1 पीस है, तो हम लोगों ने करीब 50,000 पीसेस सैनिटरी नैपकिन इस तरीके से स्लम्स एरिया में बेचे हैं, जहां पर दुकानें बंद होने की वजह से लेडीजों को प्रॉब्लम आ रही थी, नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि इसमें मेन सिस्टम था हाइजीन का ध्यान रखना था, तो हम लोगों ने किया। और उसी के बाद ऐसा कुछ दिमाग में आया, और उन बस्तियों में जब हम लोग सैनिटाइजर्स बांटने गए या सैनिटरी नैपकिन बांटने गए, तो लोगों ने बताया कि भैया इनका ऑपरेशन 3 महीने से नहीं हो पा रहा है, 4 महीने से नहीं हो पा रहा है, हमारे पास पैसे की दिक्कत है। तो धीरे 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 कहीं ऐसा एक दिमाग में आया कि जब इतने सशक्त लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हर आदमी अपने पर्सनल अमाउंट में से कुछ थोड़े से पैसे की अगर किटे कर देता है तो किसी एक गरीब आदमी का भला हो सकता है, तो उसी को देखते हुए दिमाग में एक पिक्चर बनी, और हम लोग आज बड़ा सक्सेसफुली इसको रन कर रहे हैं, और हमें बड़ी खुशी है कि जो एक सपना मेरे पिताजी ने मुझे दिखाया था कि हाँ तुमको एक जनता के लिए कुछ करना है या आम जनमानस के लिए कुछ करना है, वो मैं कर रहा हूँ। अभी यूपी में निकाय चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कितनी तैयार है? भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां पूरी हैं, और भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कार्य भी आप लोग देख रहे हैं, सड़कों की जो स्थितियां थी कितना उनमें सुधार आया है। पिछले समय कुछ ऐसी मार्केटों में भी हम लोग गए हैं जिसमें लोगों ने कहा कि जब हमें तो याद ही नहीं कि यहाँ पिछली बार सड़क कब बनी थी, और आज बढ़िया सड़कें वहाँ बन गई हैं। तो धीरे 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 जैसे जैसे डेवलप आ रहा है, क्योंकि देखिए हम जमीन से भी नीचे चले गए थे, तो हम चले गए थे पाताल में, तो वापस धीरे धीरे अब हम जमीनी लेवल पर आए, तो धीरे 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 एक समय लगता है कि आपको नजर आएगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। जी, आप समाज के लिए, समाज के लोगों के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं, आपको कई पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, कैसा महसूस करते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर इस तरीके का कुछ होता है तो आदमी का आत्मबल बढ़ता है, और सरकार द्वारा सेवा भारती मुझे दिया गया है, तो इस सब तरीके की चीज़ें करने से बहुत एक अच्छा फील आता है, और अपने को भी लगता है कि हाँ अगर हम कुछ कर रहे हैं जनमानस के लिए तो कहीं ना कहीं लोगों में इसकी छवि एक आपकी सुधरती है, एक अच्छा व्यक्तित्व आपका निखर के आता है, और इसलिए और काम करने की भी प्रेरणा मिलती है, और औरों को भी काम करने की हम लोग प्रेरणा दिला पाते हैं। जब इस तरीके के हम लोगों के पास आते हैं तो हम लोग औरों को भी प्रेरणा देते हैं कि भैया आप भी आइए, हमारे साथ जुड़िए और इस तरीके की चीज़ों को करिए। और मुझे लगता है हर व्यक्ति अपने व्यक्तिगत समय में से थोड़ा समय हर व्यक्ति को निकालना चाहिए समाज हित के लिए, क्योंकि ये हर आदमी की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति विशेष की या किसी सरकार की जिम्मेदारी नहीं। विनय जी, प्राइम टीवी के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? मैं क्योंकि दवा ट्रेड में दवा विक्रेता वेलफेयर समिति का अध्यक्ष हूँ, तो मैं आप सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि दवाइयाँ जब भी आप खरीदें बिना बिल के कहीं से ना खरीदें, बिल बैच नंबर हमेशा दवाइयों पर मिलाकर ही खरीदें, क्योंकि नकली दवाइयाँ बहुत बुरी तरीके से बाजार में आ रही हैं, ऑनलाइन इसका एक बहुत बड़ा जरिया है, तो कहीं ना कहीं प्रयास करिए कि अपने पास के दुकानदार से खरीदिए, और जब भी दवा खरीदिए बिना बिल के दवा मत खरीदिए, और जो दवा डॉक्टर ने लिखी है कोशिश करिए दवा वही खरीदिए, किसी लालच में दवाइयों को अपने हिसाब से ब्रांड्स में चेंज मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी आपका। तो ये थे विनय शुक्ला, जो दवा विक्रेता वेलफेयर समिति के अध्यक्ष हैं और समाज सेवा का एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।